नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इस सुंदर सुंदर दृश्य के साथ जिसमें कि कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और ये चिड़िया अपने काम में जुटी हुई हैं। और दोस्तों, जो आज का हमारा फ्लावर प्लांट है वो भी ऐसा ही सुंदर प्लांट है और सनफ्लावर की फैमिली से है वो। और बिल्कुल दोस्तों, बहुत हार्डी प्लांट है और उसके फूल भी इतने शोई हैं, तो जिसके गार्डन में वो लगा हुआ होगा तो यकीन मानिए उसका तो गार्डन एक अट्रैक्शन होगा ही होगा और वो फूल भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं देखने वालों को। और दूसरा, उसमें शेड्स, कलर और उस फूल का साइज़ भी इतना बड़ा होता है कि वाकई में ही आपको देख के मज़ा आएगा। और यही है वो फूल गजानिया का। तो दोस्तों, बहुत सारी शेड्स आती हैं इसमें, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी शेड बचती होगी जो गजानिया में नहीं आती होगी। और ऊपर से इस तरह की मिक्स और मैचिंग करके भगवान जी ने इसके फूलों को बना रखा है, इतने बड़े बड़े फूल और ऊपर से मिक्स मैच करके जो शेड डाली हुई है उन्होंने, वाकई में ही मतलब पता नहीं क्या लगता है कि कहाँ से चित्रकारी की हुई है ना, इतना सुंदर शेड कॉम्बिनेशन तो हम सोच भी नहीं सकते। तो बिल्कुल, मैं सुबह वैसे वीडियो बना देती हूँ लेकिन मुझे वेट करनी पड़ी क्योंकि दोस्तों ये जो फूल है ये सूरज की रोशनी में ही खिलता है। तो जैसे ही अगर इस फूल को भी उठा के आप साइड में ले जाओगे ना शेड में, तब भी ये बंद हो जाएगा। तो सूरज की रोशनी जब तक इस पर ना पड़े नहीं खिलेगा, और जैसे जैसे शाम होनी शुरू हो जाएगी ना तब ये बंद होना शुरू हो जाएगा, फिर अगले दिन खिल जाएगा। तो बिल्कुल, मैं वेट ही कर रही थी कभी ये फूल खिले। कुछ तो खिल गए हैं, कुछ रह गए हैं, मैंने बहुत सारे लगा रखे हैं, अभी खिलने शुरू हो गए हैं ये। और दोस्तों, वाकई में मज़ा आ गया जब इसका फूल खिलता है, तो इतना सुंदर बड़ा फूल खिलता है इसका और वाकई में ये अच्छा लगता है बड़ा देख के इसके फूलों को। और बड़ी वेट रहती है दोस्तों अगर आप इसका नया प्लांट लगाओ तो, कि कौन सी शेड निकलेगी। तो मेरा तो खैर यही चक्कर रहता है इन फूलों के साथ कि अब नया प्लांट लगा है, कुछ की तो शेड मुझे पता लग गई जो खिले हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन कुछ की नहीं अभी पता लगी है, तो उनमें जब खिलेंगे तब पता लगेगा। तो यही टाइम है इसके फूलों के खिलने का। और इसकी सीडलिंग दोस्तों अक्टूबर नवंबर में, जैसे सर्दियों के फूलों की करते हैं हम, कर ही देते हैं, और इस टाइम तक आते आते ये जो प्लांट है बड्स पे आ जाता है। क्योंकि मैंने भी दोस्तों ये अपनी क्यारी में से निकाल निकाल के ही लगा रखे हैं और मिक्स करके लगा रखे थे, अब देखो किसमें क्या निकलेगा। तो फूल खिलने में से शुरू हो गए हैं, तो एक तो ये खिला ही हुआ है देखो। तो बिल्कुल बहुत सुंदर प्लांट है दोस्तों, हार्डी प्लांट है। और इसको दोस्तों अफ्रीकन डेजी भी बोलते हैं और ये साउथ अफ्रीका का नेटिव है वैसे। तो बिल्कुल यही समझ लो, जब वहाँ का टेम्परेचर अफ्रीका का इतना गर्म होता होगा तो हमारे यहाँ भी है ना चली जाना चाहिए। और दूसरा दोस्तों, इसके बारे में सबसे खास बात जानने की यही है कि जैसे हम आम फूलों वाले पौधों की मिट्टी थोड़ी सी सॉफ्ट बनाते हैं, मतलब ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रखते हैं उसका, इसको ऐसी ज़रूरत नहीं है। इसको आप जितनी ज़्यादा हार्ड मिट्टी में लगाओगे, चिकनी मिट्टी में लगाओगे, उतना ही ये प्लांट ज़्यादा ग्रो करेगा। इसको दोस्तों ज़्यादा मतलब लाइट सोयल पसंद नहीं है, जो लाइट मीडियम होता ना, लाइट रखते हम भाई रूट्स फैलें, तो वो इसको पसंद नहीं है, इसको बहुत बंधी हुई मिट्टी पसंद है, उसमें ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। और पानी दोस्तों इसको कोई ज़्यादा इतना देने की ज़रूरत नहीं है, ड्राउट रेजिस्टेंट है ये, बहुत हार्डी प्लांट है, इसको मुझे नहीं लगता किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती हो, मैं हमेशा उगाती हूँ इस प्लांट को। और इसके दोस्तों बीज भी गिर गिर के नए नए प्लांट निकलते रहते हैं, जब एक इसका फूल सूख जाता है बिल्कुल अच्छे तरीके से तब उसमें से बीज निकल निकल के इधर उधर फैल जाते हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा जैसे घास से निकल रही हो। तो ये देखिए जो जो अभी खिले हैं प्लांट प्लांट क्या फूल खिले हैं जो, तो बिल्कुल मेरे लिए भी नए नए फूल हैं ये। और बिल्कुल दोस्तों आप शेड और वगैरह तो देख ही रहे हो इनकी, है ना, किसी की कुछ शेड है, किसी का कोई कलर है। तो ऐसे अगर आप भी लगाओगे तो आपको बड़ा क्रेज़ रहेगा इसके फूल कब खिलेंगे और कौन सी शेड निकलेगी। और फूल तो आप देख ही रहे हो कितने सुंदर सुंदर हैं इसके, है ना। तो जो खिल गए मैं दिखा देती हूँ वो, ये अभी हल्की सी इन पर सूरज की रोशनी पड़ी है तो ये खिलने लग गए। अब कुछ बड्स बंद हैं, वो अभी इमेच्योर होंगी, कल तक खिल जाएंगी, कल परसों तक। तो मेरे पास दोस्तों बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी गजानिया पे, वैसे मैंने गजानिया को लगा के भी दिखा रखा है कि आपने इसकी मिट्टी भी कैसी लेनी है। तो अगर पुराने वीडियोस आप देखना चाहें ना इसके, तो आप देख लो, मैंने इसके बीज को भी कलेक्ट करना बता रखा है आपको कि कैसे पुराने फूलों से आपने इसके बीज इकट्ठे करने हैं। और जैसे हम गेंदे के सूखे फूलों के बीज इकट्ठे करते हैं ना, उसके बीज उसी में होते हैं सूखे फूल में, ऐसे ही इसके बीज होते हैं सूखे हुए फूल में, सनफ्लावर हो गया, ये हो गया, है ना, गेंदा हो गया, तो इन सब के जो बीज होते हैं ना इनके सूखे हुए फूल में ही होते हैं। लेकिन आपने फूल को तोड़ के नहीं सुखाना है,
कोई भी बीज दोस्तों तोड़ के मत सुखाया करो, उसको प्लांट पे ही ड्राई होने दिया करो, तभी वो बीज पकता है और पूरी तरीके से वो तैयार हो जाता है अगली बार बोने के लिए। तो कई बार आप पूछते हो कि हम तोड़ के रख लें इसको, ड्राई कर लें, ऐसा नहीं होता। आपने उस बीज को, उस फूल को उस प्लांट के ऊपर ही ड्राई होने देना है। जब आपको लगे कि अभी झड़ने वाला है तब आपने उसको कलेक्ट करना है, जब वो बिल्कुल ब्राउन हो जाए और बिल्कुल ऐसे कागज जैसा हो जाए, ऐसे क्रिस्पीनेस आ जाए उसमें। तो गजानिया को बस दोस्तों लगाने का यही तरीका है कि आप गलती से भी इसको सॉफ्ट सॉइल में ना लगा दें, लाइट सॉइल में ना लगाएं, सैंड मिक्स करके, तो इसको बंधी हुई मिट्टी पसंद है तो आपने उसमें ही लगाना है। और इसकी इतनी कोई केयरिंग और ग्रोइंग टिप्स नहीं है, बस यही ध्यान रखना है आपने। जो जो मेरे खिले हुए हैं अभी फूल, मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको अच्छे लगेंगे देख के कि कितनी प्यारी प्यारी शेड है इसमें और बहुत इजी टू ग्रो है दोस्तों। मैंने गमलों में भी आपको दिखा दिया कि कैसे लगा हुआ है ये प्लांट, छोटे से छोटे गमले में भी आप लगा सकते हैं और हो सके तो एक गमले में एक ही लगाना, क्योंकि इतना फैलता है ये, है ना, श्रब टाइप से। ये देखो कैसे फैल रहा है, ये क्यारी में कितना फैल रहा है। अभी मैंने छोटा सा ही लगाया था ये, जब ये क्यारी में लगाए थे मैंने ये, और अभी देखो कितनी जल्दी से क्यारी कवर करने लग गया ये। और बिल्कुल दोस्तों ऐसे घास की तरह से इसकी पत्तियां फैल जाएंगी और इसके फूल जो खिलेंगे उस घास में से इतने सुंदर लगते हैं, ग्रीन के ऊपर, और ये अलग अलग शेड्स जो खिलती है इसके फूलों की, और हर फूल की शेड अलग ही होगी, हर प्लांट के फूल की शेड देखना आप जरा। अगर एक जैसे हैं तो अलग कोई बात नहीं, लेकिन अगर अलग अलग रंगों के ना, फिर अलग अलग शेड निकलेंगे, अलग अलग कलर निकलेंगे उसके। तो बहुत सुंदर प्लांट है, आपको ज़रूर लगाना चाहिए इसको। जो भी फूल लगाने के शौकीन है, जिनको फूलों को देख के अच्छा लगता है, जैसे कि मैं, तो मेरा तो हमेशा ही क्रेज़ रहता है इसको मैं लगाऊं। और कई बार दोस्तों मेरे सारे साल चल भी जाते हैं, कई बार तो मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और साइड में इतने नए नए प्लांट तैयार होते रहते हैं इसके बीज गिर गिर के। और बस फूल तो आप इसके देख रहे हो इतने प्यारे प्यारे हैं, तो बिल्कुल इसको ज़रूर लगाना और काफ़ी टाइम तक रह जाएगा आपके पास। ये नहीं है कि मार्च अप्रैल की गर्मी पड़ेगी ख़त्म हो जाएगा, हमेशा चल जाएगा आपके पास। थोड़ा सा ध्यान रखना जब ज़्यादा गर्मी हो तो अपना, जैसे ग्रुप बना के हम प्लांट्स को रखते हैं ना इनडायरेक्ट सनलाइट में, तब ऐसे रख देना ग्रुप में। और अभी तो विंटर वाली धूप इसको पसंद है, अभी तो सर्दियाँ चली रही हैं, मार्च अप्रैल तक तो आप इसको धूप में रखना, फिर जब ज़्यादा तेज गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी फिर आप इसको साइड में रख देना, जैसे हम ग्रुप बना के प्लांट्स को रखते हैं। तो बहुत हार्डी प्लांट है वैसे ये, और हार्डी भी है और खूबसूरत भी है। तो बस ये आप देख लो, ऐसा ये प्लांट दिखेगा। अगर आप नर्सरी से लाओगे तो आपने गजानिया बोलना है और इस प्लांट को ले लेना है। तो लगाने का मैंने तरीका बता दिया आपको, इसको गमले में लगाओ, जैसे मर्जी लगाओ। और मैंने तो दोस्तों हैंगिंग बास्केट में भी लगा रखे हैं, लेकिन अभी उसमें मैं देख रही थी फूल नहीं खिले, डोडी तो ऐसे लग रही है जैसे खिलेगी, लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि हल्की सी भी रोशनी इस पर ना पड़े ना तब तक फूल नहीं खिलता। तो मैंने बताया था मेरा जो स्टैंड है हैंगिंग बास्केट का, उस पर भी इतनी कोई ज़्यादा धूप नहीं आती, और इसको दोस्तों बिल्कुल धूप की ज़रूरत है। जैसे हमारे पेटूनिया वेटूनिया तो चलो खिल भी जाते हैं दिन की रोशनी में, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं खिलेगा जब तक इस पर धूप ना पड़ ले। तो बिल्कुल इसको गलती ना करना कि अंदर ले जाके रख दें फूल खिले हुए देख के, कई बार गेस्ट वगैरह आते हैं तो ये फूल धोखा दे जाएगा, एकदम बंद हो जाएगा। क्रेसेंथेमम को तो कई बार मैं रख लेती हूँ ड्राइंग रूम में उठा के, जो सुंदर सुंदर फूल खिल रहे होते हैं वो तो खिले ही रहते हैं, लेकिन ये दोस्तों एकदम से बंद हो जाने वाला है। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, है ना, एक नए प्लांट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली आपको। और ये देखो दोस्तों खिलने वाला है बस ये, अभी इस पर हल्की सी रोशनी पड़ेगी ना धूप की तभी खिल जाएगा। मैंने तो ऐन सारे लगा रखे हैं, अभी दिखाती हूँ आपको, क्यारी में से निकाल निकाल के छोटे छोटे गमलों में लगा रखे हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा रखे हैं। तो अभी जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़नी शुरू होगी ना गार्डन में, तब दिखना सारे खिलेंगे, इतने सुंदर लगेंगे। फिर लगा तो बहुत सारे रखे हैं, लेकिन वही बात है गार्डन में मेरी इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती, तो जैसे जैसे धूप इंक्रीज होती जाएगी ना गार्डन में, वैसे वैसे सारे के सारे तैयार हो जाएंगे। देखो मैंने तो छोटे छोटे डब्बों में लगा रखे हैं ये देखो। तो अब देखो कौन कौन से कलर निकलेंगे, जैसा कि मैं बता रही थी आपको मुझे बड़ा क्रेज रहता है जब इनके कलर निकलते हैं। इसका तो पता लग गया, चलो हल्का सा पिंक है, इनमें देखो कौन से निकलेंगे, इसका भी पता लग गया कौन सा है ये, इसका नहीं पता लगा, इसका मेहरून सा लग रहा है ना डोडी से, तो जैसे मेहरून सा कलर निकलेगा, चलो लगाओ, है ना। कितना कितना अच्छा एक, है ना, पजल है हमारे पास कि कौन सा निकलेगा, है ना, नेचुरल पजल है ये।
जैसे हम गेम खेलते हैं। तो दोस्तों मुझे वैसे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं फूलों की वीडियो बनाती हूँ ना, आपके साथ कोई भी फूल शेयर करती हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं खुद भी इंजॉय करती रहती हूँ इन फूलों को देख देख के, और मुझे लगता है कि जो मेरे बहन भाई फूलों के शौकीन है वो भी बड़ा इंजॉय करते होंगे, उनको भी इतना ही फूलों से प्यार होगा जितना कि मुझे है और मुझे आपको दिखाते वक्त भी होता है। तो बस देखो ये बढ़िया चल रहे हैं सब, मैंने इसके बीज से उगा रखे हैं दोस्तों, ये क्यारी में वहीं से मैं निकालती रहती हूँ। और यकीन मानिए क्यारी में तो ये घुसे रहे थे एक दूसरे के साथ, और जब मैंने इनको अलग अलग करके लगाया तो देखो कैसे फैल रहे हैं अब, ये देख रहे हो ना, जब इनको मैंने जगह दी अलग अलग एक एक डब्बे में। और अगर ज़्यादा जल्दी फूल उगाने हैं तो इसमें आप थोड़े से DAP के दाने डाल सकते हो, 4-5 दाने 15-20 दिन में डाल दिया करो। तो बस दोस्तों इसी तरह से सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल उगाते रहो। और ये अभी खिले हैं, आज भी लग रहा है जैसे बरसात होने वाली है, अभी बादल से हो गए हैं ना, आपको अंधेरा सा लग रहा होगा ना थोड़ा, मैं भी जब एकदम वीडियो बनाने आई ना तब थोड़ा सा ठीक लग रहा था, अब एकदम से घटा सी हो गई और लग रहा है जैसे बरसात होगी आज भी। तो बादल आ रहे हैं जा रहे हैं है ना, और लग रहा होगा आपको कभी अंधेरा हो रहा होगा कभी उजाला सा। तो बस दोस्तों इस प्लांट को, इस फूलों वाले सुंदर से पौधे को जरूर ट्राई करना अगर मिल जाता है तो। और फिर आप इसको रूट डिवाइड करके भी लगा सकते हो, नीचे से इसकी रूट होती है ना जो, उसमें से एक एक गुच्छा सा ले लेके, गुच्छा ही बोलते हैं, बंच होता है एक, आपको अपने आप से पता लग जाएगा कि एक बंच है एक प्लांट का ये। तो आप उसको भी अलग अलग करके डिवाइड करके लगा सकते हो, तो भी आपके पास बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो बस सुंदर सुंदर फूल लगाओ, मजे करो, एंजॉय करो लाइफ को। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।